साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। इतिहास का प्रैक्टिस बेस्ट इस समय चल रहा है, इसमें आज जो चैप्टर है वह है इतिहास लेखन, अर्थात इसमें प्राचीन इतिहास से संबंधित जो इतिहासकार हैं, जो उसके विभिन्न प्रकार के मत हैं, जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, इन तमाम प्रकार के जो इतिहासकार हैं उनके क्या विचार हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर पे जो सिलेबस में से रखा गया है वो UGC नेट के और हायर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसे। तो देखिए, इसमें हमने कहा था कि जितने भी चैप्टर आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी को हम सॉल्व करवाएंगे। तो उसमें आज देखिए इतिहास लेखन का है, इतिहास लेखन है, तो इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सारे प्रैक्टिस सेट आपको फ्री मिलेंगे, जो क्लासेस पढ़ाई जाएंगी वो भी फ्री। तो इसके साथ साथ है संविधान का भी क्लास, जो प्रैक्टिस सेट है वो भी पढ़ाया जाएगा। तो आइए फिर क्लास शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न आज है कि देखिए भारत में नगरों का पतन, पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक, ऑप्शन देखिए DD कौशाम्बी, दूसरा BNS यादव, तीसरे RS शर्मा, चौथे रणवीर चक्रवर्ती। इसमें आपको बताना है भारत में नगरों का पतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वो है RS शर्मा। RS शर्मा ने भारत में नगरों का पतन नामक जो पुस्तक है उसको लिखा है। देखिए आर्य शर्मा की और जो पुस्तकें हैं उसको आपको बता दें। देखिए इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वह है सुद्राज इन एंशियंट इंडिया, इंडियन फ्यूडलिज्म, अर्बन डीके इन इंडिया। उसके बाद जो पुस्तक है वह है लुकिंग फॉर द आर्यंस। ठीक है, उसके बाद इन्होंने भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक पुस्तक में आर्यस शर्मा ने विनगरीकरण के संदर्भ में दो चरणों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या दो देखिए, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान नहीं हुआ है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए मैक्स मूलर, ये राष्ट्रवादी इतिहासकार लेखन से संबंधित है, दूसरे DR भंडारकर राष्ट्रवादी लेखन, तीसरा ऑप्शन है मिलान में RS शर्मा मार्क्सवादी है, DD कौशाम्बी मार्क्सवादी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका प्रश्न सही है वह है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो है वो राष्ट्रवादी इतिहासकार नहीं है। ठीक है, जबकि DR भंडारकर ये राष्ट्रवादी लेखन से संबंधित हैं, RS शर्मा मार्क्सवादी इतिहास लेखन से संबंधित हैं, DD कौशाम्बी मार्क्सवादी लेखन से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया का विशिष्ट आवश्यक अंग नहीं है। तो ऑप्शन देखिए
शोध प्रारूप, दूसरा है शोध प्रतिमान, तीसरा है पैराडाइम, चौथा है शोध सारांश। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो उत्तर है आपका वह है शोध सारांश। ठीक है, यही जो है कि शोध प्रक्रिया का अंग नहीं है। अब देखिए जो शोध प्रक्रिया होती है वो कई चरणों से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए जो शोध है इसे गवेषणा भी कहा जाता है, इसे शोध भी कहा जाता है, इसे खोज भी कहा जाता है, इसे अन्वेषण भी कहा जाता है, इसे अनुसंधान भी कहा जाता है, अर्थात जो तमाम प्रकार के नाम हैं इसे तमाम प्रकार के नामों से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ एक ही है। ठीक, देखिए एक इतिहासकार है बर्नहीन, क्या नाम है, बर्नहीन, इन्होंने कहा शोध अपने आप में इतिहास नहीं है, बल्कि इतिहासकार द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन तथा प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए जो शोध प्रक्रिया होती है वो कुल मिलाकर 9 चरणों से होकर गुजरती है। इसमें देखिए जो पहले इसका जो पहला चरण है वह है अनुसंधान समस्या का निर्माण करना, अनुसंधान समस्या का निर्माण करना, और दूसरा है समस्या से संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण करना, तीसरा है परिकल्पना या हाइपोथेसिस है उसका निर्माण करना, और जो चौथी प्रक्रिया इसकी है वह है शोध की रूपरेखा या शोध प्रारूप। ठीक है, और जो पांचवा है वह है आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन करना। जो छठा प्रकार है इसका, छठा चरण है, वह है आंकड़ों एवं तथ्यों का विश्लेषण करना। जो सातवां है वह है प्राकल्पना की जांच करना। जो आठवां है वह है सामान्यकरण एवं उसकी व्याख्या करना, और जो लास्ट है नौवां चरण है वह है शोध प्रतिवेदन अर्थात रिसर्च का रिपोर्ट तैयार करना। इस तरीके से जो इसके 9 व्यू हैं, जो 9 चरण हैं उसको हमने आपको बताया। ठीक, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 4 कि सर्वप्रथम किसने इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया। ऑप्शन देखिए हेरोडोटस, हेरोडोटस है दूसरा, टैनवी है तीसरा, कार है चौथे, क्रोचे है। इसमें आपको बताना है कि सर्वप्रथम किसने इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था। ठीक, देखिए सर्वप्रथम हेरोडोटस जिनका जो टाइमिंग है, समय है, वह है 484 ईसा पूर्व से 430 ईसा पूर्व। ठीक है, ने इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था। हेरोडोटस काल के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को देखने वाले पहला व्यक्ति थे, तो सिसरो ने उन्हें इतिहास का पिता कहा है। एक के इतिहासकार हैं शॉटबेल, शॉटबेल ने पर्शियन युद्धों का होमर कहा है इन्हें। ठीक है, हेरोडोटस जो हैं ने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद देखिए जो कालिंग बुड है, हेरोडोटस को वैज्ञानिक इतिहास के सृजन करने का श्रेय देते हैं। हेरोडोटस कहते हैं कि इतिहास की गति ईश्वरीय इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है, अर्थात हेरोडोटस का जो कथन है उन्होंने कहा जो इतिहास की गति है वह ईश्वरीय इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के विवरणों से
भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के सांस्कृतिक संपर्क की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, यश सी राय चौधरी, दूसरा आर सी मजूमदार, तीसरा एन एल डे, चौथा ए एस अलतिकर। इसमें आपको बताना है कि किस इतिहासकार के विवरणों में भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के सांस्कृतिक संपर्क की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो उत्तर है वह है आर सी मजूमदार। ठीक है, आर सी मजूमदार ने इसके विषय में कहा है, विस्तृत जानकारी दी। ठीक है, चलिए अब देखिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अब यहाँ पे देखिए नीचे इतिहास की कुछ स्रोतों की सूची दी गई है, तो जैसे पहला है अभिलेख, दूसरा है शोध पत्र, तीसरा है प्रकाशित पुस्तकें, चौथा है प्राचीन अवशेष। ठीक है, इसमें से कौन कौन से मूल स्रोत नहीं है, मूल देखिए मूल स्रोत की बात की गई है। ठीक, इसमें एक और चार, दूसरा ऑप्शन है दो और तीन, तीसरा ऑप्शन है तीन और चार, और चौथा ऑप्शन एक और तीन। इसमें आपको बताना है कौन से मूल स्रोत नहीं। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर है हुआ है दो और तीन, अर्थात जो शोध पत्र है और प्रकाशित पुस्तकें हैं ये मूल स्रोत के रूप में नहीं इसे जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इतिहास के जो प्रधान या मूल स्रोत हैं इसके अंतर्गत जो जो आते हैं वो हैं प्रत्यक्ष साक्षी के साक्ष, जैसे जो किसी व्यक्ति ने देखा और उसका तुरंत बता दिए भैया ये बात सही है यही चीज है। उसके बाद देखिए जो पांडुलिपियां हैं वो मूल स्रोत के अंतर्गत आती हैं, जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो मूल स्रोत के अंतर्गत आती हैं, मौलिक एवं प्रकाशित दस्तावेज, समकालीन अभिलेख, प्रश्नावली, सरकारी दस्तावेज, प्राचीन अवशेष, ये जो तमाम प्रकार के स्रोत हैं इसे मूल स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राथमिक स्रोत वह होता है, जो प्राथमिक स्रोत है कि प्राथमिक स्रोत वह होता है जो विषय, जो जिस विषय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके बारे में आधिकारिक एवं आवश्यकता तथा वह उपलब्ध कराता है, इसके बिना कोई भी शोध विश्वसनीय नहीं बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो तमाम प्रकार की बातें थी हमने बताई। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7, जिसे इसमें वो है कि निम्नलिखित में से इतिहास क्या है, ठीक है, का लेखक कौन है। देखिए यह जो इतिहास क्या है या पुस्तक है इसके लेखक के विषय में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे एडम स्मिथ है, दूसरा बी आर स्मिथ, बी आर स्मिथ, बी ए स्मिथ जिसे कहा जाता है, दूसरा बर्टन स्टाइन, और चौथा ऑप्शन है ई एच कार। इसमें आपको बताना है कि इतिहास क्या है या पुस्तक किसकी है। ठीक है, देखिए इसमें जो उत्तर है वह है ई एच कार। ठीक, ई एच कार इसकी पुस्तक के लेखक है। ई एच कार की पुस्तक क्या, इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, पुस्तक के जो लेखक है वह है ई एच कार। इनका जो मूल नाम है वह है एल्बर्ट हैलेट कार। ठीक है, एल्बर्ट हैलेट कार, इस एल्बर्ट यच से हैलेट और कार, ठीक है, इनका नाम मूल नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ई एच कार का एक बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य है जो बार बार पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है। इतिहास
अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंतहीन संवाद है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और कहा है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। ठीक है, इतिहासकार ने कहा कि तथ्य स्वयं नहीं बोलता है बल्कि इतिहास उन्हें बुलवाता है। ठीक है, अब जैसे इस बात की अगर थोड़ी व्याख्या करें, जैसे अगर खुदाई में एक पेन जैसी चीज प्राप्त हुई तो ये थोड़ी बताएगा कि हम पेन हैं। ये अब इसकी व्याख्या एक इतिहासकार करेगा, कहेगा कि ये इसमें एक इसके कई पार्ट हैं, देखिए खोलने के बाद खुल भी जा रहा है, इसके अंदर एक रिफिल लगी है, इस पे एक कैप है, ठीक है, ये जो रिफिल लगी है इसके आगे एक निब लगी है, तो इसके माध्यम से लगता है कि व्यक्ति जो उस समय के रहे होंगे इससे लिखने का कार्य करते रहे होंगे। इसी बात को लेकर के ईएसकार महोदय ने कहा कि जो तथ्य होते हैं वो स्वयं नहीं बोलते बल्कि इतिहासकार उनसे बुलवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है, इनका एक और वक्तव्य है कि इतिहास को सामान्यीकरण के सिद्धांत से अलग करना उपहास पूर्ण है और मूर्खता पूर्ण है। इतिहास जो है सामान्यीकरण पर आधारित और विकसित होता है। इस तमाम प्रकार के जो बातें हैं इतिहासकार से संबंधित हमने बताई, ये बार बार परीक्षा में जो जो वक्तव्य हमने बताया ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आ भी गया कि निम्नलिखित में से किसने इतिहास को वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन संवाद की संज्ञा दी, तो हमने बताया था ये जो उत्तर हुआ है ईएच का। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विचारधारा से संबंधित था, तो यहाँ पे देखिए केपी जायसवाल, दूसरा डीडी कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन है बी ए स्मिथ, चौथा है बर्टन स्टाइक। इसमें आपको बताना है राष्ट्रीय विचारधारा से संबंधित कौन से इतिहासकार हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है केपी जायसवाल। केपी जायसवाल जो है ये राष्ट्रीय विचारधारा से संबंधित हैं। देखिए जो केपी जायसवाल हैं ये पेशे से एक वकील थे एवं तो राष्ट्रवादी इतिहासकार। केपी जायसवाल ने 1924 ईस्वी में हिंदी पॉलिटी लिख एक पुस्तक लिखी, हिंदी सॉरी हिंदू पॉलिटी लिखकर अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना का अंत कर दिया। इन्होंने सिद्ध किया कि प्राचीन काल से ही भारत में गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन स्वयं चलाते थे। इनकी दूसरी एक पुस्तक है, वह पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए एक साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का सामना करने के लिए ही राष्ट्रीय इतिहास लेखन का उद्भव हुआ। प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकारों की अगर बात की जाए नाम की, तो उसमें नाम है राजेंद्र लाल मित्र। ध्यान दीजिएगा जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उनके जो नाम है वो हम बता दे रहे हैं, जो प्रमुख है राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं तो उनमें नाम आता है राजेंद्र लाल मित्र, आर जी भंडारकर, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। ठीक है, उसके बाद देखिए आर जी भंडारकर, सॉरी डी आर भंडारकर, आर जी भंडारकर और डी आर भंडारकर दोनों राष्ट्रवादी इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद देखिए हेमचंद्र राय चौधरी, ये भी राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। आर सी मजूमदार, एक है तारा चंद, उसके बाद है के एम पनिक्कर, उसके बाद है पांडुरंग बामन काड़े, फिर है के पी जायसवाल। ये जो तमाम नाम हमने बताए ये राष्ट्रवादी इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, इन्होंने प्राचीन भारत में स्वर्ण युग की तलाश की थी। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में अगर पूछ लिया जाएगा। अब देखिए, जो राष्ट्र साम्राज्यवादी इतिहासकारों की तरह उन्होंने भी भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल के रूप में बांट करके इतिहास का अध्ययन किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आप पहला ऑप्शन देखिए, आर पी दत्त सबाल्टर्नवादी है, दूसरा आर सी मजूमदार मार्क्सवादी है, तीसरा ताराचंद राष्ट्रवादी है, चौथा के एम पनिक्कर साम्राज्यवादी है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका उत्तर सही है वह है, तो सॉरी, सही सुमेलित की बात की गई है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बताया था कि जो ताराचंद है ये राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, के एम पनिक्कर भी हैं। ठीक है, यही आपका जो उत्तर है ये आपका सही सुमेलित है, बाकी कुछ भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे अभी हमने बताया कि जो के एम पनिक्कर हैं ये भी राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, ताराचंद भी राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, और आर सी मजूमदार भी सॉरी राष्ट्रवादी इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद इस तरीके से चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, वो है प्रश्न संख्या 11। वो निम्नलिखित में से किसने संस्कृति को एक शरीरी की संज्ञा प्रदान करते हुए इसे इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु माना है? ऑप्शन देखिए, राम मनोहर लोहिया, दूसरा राधा कुमुद मुखर्जी, उसके बाद ओसवाल्ड स्पेंगलर, चौथा ऑप्शन है आर जे कालिंगबोर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही। ठीक है, देखिए इसमें जो सही है वह है ओसवाल्ड स्पेंगलर, यही आपका उत्तर इसमें सही है। ठीक है, देखिए जो ओसवाल्ड स्पेंगलर हैं वो संस्कृतियों को उच्चतम जीवन का सार इन्होंने माना है। इन्होंने कहा कि संस्कृत को एक शरीरी की संज्ञा प्रदान की है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए कि डीडी कौशाम्बी वास्तविक रूप से आचार्य थे। ऑप्शन देखिए, इतिहास के आचार्य थे, दूसरा गणित के, तीसरा ऑप्शन रसायन शास्त्र के, चौथा है दर्शन एवं धर्म के। ठीक है, धर्म एवं दर्शन के। इसमें आपको बताना है कि जो डीडी कौशाम्बी हैं ये वास्तविक रूप से किसके आचार्य थे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो उत्तर है वह है गणित के। ध्यान दीजिएगा, इतिहासकार मतलब वास्तविक रूप से इतिहासकार नहीं थे बल्कि ये गणित के आचार्य थे। ठीक है, अब देखिए भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की अगर शुरुआत किसी ने की, भारत में मार्क्सवादी इतिहास का अगर लेखन की कोई शुरुआत कोई किया तो थे डी डी कौशाम्बी। ठीक है, डीडी कौशाम्बी मुख्यतः गणित एवं आनुवांशिकी के विद्वान थे। रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, इरफान हबीब, ये जितने नाम अभी हमने बताए ये सब के सब मार्क्सवादी इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राजनीतिक पहलुओं की अपेक्षा सामाजिक आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं, वर्ग विभाजन, कृषि संबंधों को केंद्र में रखकर इतिहास लेखन का कार्य किया था। ठीक है,
जो डीडी कौशाम्बी हैं, इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। उन पुस्तकों में अगर बात करें तो उनकी पुस्तकें, अगर पहली पुस्तक की बात करें तो वह है मिथ एंड रियलिटी, ठीक है। उसके बाद मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, तो थोड़ी बड़ी पुस्तक है, ठीक है। तो उसके बाद जो उनकी दूसरी पुस्तक है वह है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद जो उनकी तीसरी पुस्तक है वह है एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। उसके बाद इनकी जो पुस्तक है वह है ए हिस्टोरिकल आउटलाइन, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने कुल चार पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नांकित में से कौन सबाल्टर्न इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन देखिए, रणजीत गुहा, दूसरा शाहिद अमीन, तीसरा ज्ञानेंद्र पांडे, चौथे हैं विपिन चंद्र। इसमें आपको बताना है कि सबाल्टर्न इतिहासकारों की श्रेणी में कौन नहीं आते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखिए जो आपका उत्तर है वह है विपिन चंद्र। विपिन चंद्र जो है वो सबाल्टर्न इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। जो विपिन चंद्रा है ये है एक मार्क्सवादी इतिहासकार। कौन से इतिहासकार है? मार्क्सवादी इतिहासकार, ठीक है। अब विपिन चंद्रा ने कुछ पुस्तकों की रचना की, ठीक है। उन पुस्तकों में देखिए जो पहली पुस्तक इनकी है वह है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ठीक। जो इनकी दूसरी पुस्तक है वह है नेशनलिज्म एंड कॉलोनिज्म इन इंडिया। तीसरी पुस्तक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 से 1957। उसके बाद इनकी जो चौथी पुस्तक हुआ है कम्युनिज्म इन मॉडर्न इंडिया। ये चार पुस्तकें इनकी हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का है जो चौथा प्रश्न का 14 है उसमें है निम्नलिखित में से इतिहास की विषय वस्तुता की कौन सी समस्या नहीं है। पहला है देखिए यहाँ पे पक्षपात, दूसरा व्यक्तिगत आस्था, तीसरा समय की मांग, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि इतिहास की वस्तुनिष्ठता की कौन सी समस्या नहीं है। देखिए इसमें जो उत्तर है वह है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अर्थात जो है ये सब इसकी समस्या है, ठीक है। देखिए जो वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य क्या है, वस्तुनिष्ठता इसका करते इसके अर्थ की बात करें तात्पर्य की यह है पूर्वाग्रह रहित वर्ण, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठता आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। निष्पक्षता का अभाव, इतिहास में परिवर्तनशीलता एवं पूर्वाग्रह की भावना वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्या मानी जाती है। देखिए वस्तुनिष्ठता की उपस्थिति सामान्यतः वैज्ञानिक इतिहासकारों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, यहाँ पे देखिए एक वो कथन दिया गया है कि काल एवं भूगोल इतिहास के नेत्र हैं, यह किसने कहा। ऑप्शन देखिए, पहला जॉनसन, दूसरा राहुल सांकृत्यायन, तीसरा कालिंगवुड, चौथा एच कार। इसमें आपको बताना है कि यह वक्तव्य काल एवं भूगोल इतिहास के नेत्र हैं, यह किसने कहा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो उत्तर है वह है जॉनसन, ठीक है। देखिए जॉनसन ने भूगोल को इतिहास का नेत्र कहा है, जबकि जो फ्रीमैन है उन्होंने इतिहास को भूतल की राजनीतिक बताया है उन्होंने, ठीक है। देखिए कालिंगवुड जो कालिंगवुड है इन्होंने कहा कि सभी इतिहास विचारों के इतिहास हैं, सभी इतिहास विचारों के इतिहास हैं। इन्होंने कालिंगवुड ने एक पुस्तक लिखी है
द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। कालिंगवुड ने एक इतिहासकार के लिए कुछ नियम विधाओं का भी प्रतिपादन किया, जैसे कैंची गोंद का सिद्धांत और कबूतरी सुराख की विधि। ये जो है ये इतिहास की एक विधि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। इसमें देखिए क्या है कि प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है। प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, यह कथन किसका है? पहला एच एल फिशर, दूसरा क्रोचे, तीसरा कार्ल मार्क्स और चौथा है आरजी कालिंगवुड। तो अभी हमने बताया था कि जो प्रत्येक इतिहास है वह विचार का इतिहास होता है, यह वक्तव्य है आरजी कालिंगवुड का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हाँ, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध में अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा ऑप्शन है प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध के आधुनिक लेखकों के ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए, आधुनिक इतिहास लेखक का प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण संबंध है। और चौथा ऑप्शन है शोध क्षेत्र की समस्याओं को समझने के लिए स्रोत अति महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका उत्तर सही हुआ है दो, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध में आधुनिक लेखकों के ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला कि प्राच्य संस्कृत विशारद विलियम जोन्स, दूसरे हैं साम्राज्यवादी जेम्स मिल, तीसरा ऑप्शन है मार्क्सवादी विशारद हीगल और चौथा ऑप्शन है उपाश्रयवादी विशारद गायत्री स्पिवाक। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है इसी ऑप्शन मार्क्सवादी विशारद हीगल, यही आपका उत्तर सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए सर विलियम जोन्स प्राच्य अर्थात पूर्वी, प्राच्य को पूर्व कहा जाता है, कि संस्कृत के प्रमुख विद्वानों के रूप में जाने जाते हैं। जो जेम्स मिल हैं ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, ये भी सही है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की थी। एन एसे ऑफ गवर्नमेंट ऑन लिबर्टी ऑफ द प्रेस इनकी और जो पुस्तकें हैं वो हैं। ठीक है, और जो हीगल है, ठीक, वो मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं, जो हीगल हैं वो एक आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। ठीक है, और जो हीगल है उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का जो विचार है उसको उन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ठीक है, सर्वप्रथम हीगल ने ही भारतीय समाज को मूक बधिर एवं गतिहीन बताया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हीगल ने ही भारतीय समाज को कहा कि यह समाज मूक बधिर है और गतिहीन है। ठीक है, और जो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक है एक उपाश्रयवादी इतिहासकार के रूप में उपाश्रयवादी ठीक है जाने जाते हैं इसको। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखिए, यहाँ पे कि इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन देखिए हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा इब्न खलदून, तीसरा है
स्प्रिंगलर, चौथा है क्रूज। इसमें आपको बताना है इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका उत्तर है वह है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए हर्बर्ट स्पेंसर का संरचनात्मक सिद्धांत से बहुत घनिष्ठ संबंध माना जाता है। आधुनिकोत्तर यह संरचनात्मक वाद का आरंभकर्ता एवं प्रतिपादक नीत्से एवं मार्टिन हेडिगर माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बार्था है, लाकन है, मिशने फाकाल्ट है, जैक्स देरिदा है, गुआर्टी है। ये जो है ये तमाम इस अवधारणा के इतिहासकार से संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए जो अगस्त काम्टे हैं, अगस्त काम्टे ये प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हैं ये द्वैतवादी दार्शनिक माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्वैतवादी अर्थात गांधी और मार्क्स का समन्वय, गांधी और मार्क्स का समन्वय अर्थात दो विचारों का समन्वय जो दार्शनिक हैं वो माने जाते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इन्होंने इतिहास चक्र के चक्रीय सिद्धांत पर विश्वास जताया। लोहिया ने समाजवादी इतिहास चक्र की अवधारणा दी है। ठीक है, अब देखिए ओसवाल्ड स्पेंगलर जो है इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट लिखी, जिसमें चक्रीय सिद्धांत की उन्होंने बात की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए ये मिलान का प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें डीडी कौशाम्बी की जो पुस्तक है वह है मिथ एंड रियलिटी, जो दूसरा ऑप्शन है यह सही है मिथ एंड रियलिटी। उसके बाद जो आर्य शर्मा की पुस्तक है वह है इंडियन फ्यूडलिज्म, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद जो जीसी पांडे की पुस्तक है वह है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है रोमिला थापर का, उनकी पुस्तक है सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री, अर्थात जो डी ऑप्शन आपका है यही आपका उत्तर 2, 1, 4 और 3 ये आपका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए इतिहास की सबाल्टर्न विचारधारा का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन देखिए ग्राम्शी, दूसरा हीगल, तीसरा कार्ल मार्क्स, चौथा प्लेटो। इसमें आपको बताना है सबाल्टर्न विचारधारा का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही है वह है ग्राम्शी। ग्राम्शी को सबाल्टर्न विचारधारा का जनक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए सबाल्टर्न शब्द का जो अर्थ होता है प्रयोग एंटोनियो ग्राम्शी ने सबसे पहले किया था, जिसका अर्थ होता है निकृष्ट या निम्न श्रेणी। ठीक है, ये सबाल्टर्न जो है इसका अर्थ होता है निम्नतम या निकृष्ट, ठीक है, या निम्न श्रेणी। जो इतिहास लेखन में अब तक उपेक्षित रहे उन्हीं को केंद्र में रखकर अध्ययन करना ही इनका उद्देश्य था। ठीक है, एक तरह से यह अंतः वस्तु में मार्क्सवादी ही है, परंतु एक हद तक उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को भी चुनौती दी थी। सबाल्टर्न इतिहासकारों का जो प्रमुख विषय है जनसाधारण का वर्णन करना। ठीक है, प्रमुख सबाल्टर्नवादी जो उपाश्रयवादी है इतिहासकार है उनमें अगर नाम की बात की जाए एरिक स्टोक है, डेविड हार्डिमन है, डेविड अर्नॉल्ड है, अरविंद दास हैं, दीपेश चक्रवर्ती हैं, पार्थ चटर्जी हैं, एन के चंद्रा हैं, रणजीत गुहा हैं,
ज्ञानेंद्र पांडे हैं, सुमित सरकार हैं, गौतम भद्रा हैं, शाहिद अमीन हैं, स्टीफन हैनिग हैं। ये तमाम जो नाम हमने बताए, ये सबाल्टर्न ने इतिहास विचारधारा से संबंधित इतिहास कारों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए भारतीय इतिहास लेखन में कैम्ब्रिज संप्रदाय के संस्थापक का जो नाम है उनका नाम है अनिल सील और जॉन गैलनर। ठीक है, अगर कैम्ब्रिज संप्रदाय के बात अगर संपादक की बात की जाए, संस्थापक की बात की जाए, तो उनका नाम है अनिल सील और नाम है उनका जॉन गैलनर। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण इतिहास की अवधारणा से संबंधित, ठीक, एनालिसिस स्कूल से संबंधित ये लोग हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नांकित में से किसका मानना है कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। ठीक है, अब देखिए ओसवाल्ड स्पेंगलर है, दूसरा बेनेडिक्टो क्रोचे, तीसरा ऑप्शन यशकार, चौथा है अगस्त कम्प्ट। इसमें आपको बताना है समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास होता है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका जो उत्तर वह है बेनेडिक्टो क्रोचे, यह इनका कथन है। ये देखिए इटली के हैं, बेनेडिक्टो क्रोचे जो है इटली के रहने वाले हैं। इस संपूर्ण इतिहास को वर्तमान एवं समसामयिक इतिहास कहा है। ठीक है, कालिंगवुड कहते हैं कि सभी इतिहास विचारों का इतिहास होता है, जिसे अभी हमने बताया। देखिए वक्तव्य है, एक कथन इनका है, जैसे बेनेडिक्टो क्रोचे का जो कथन है वो है कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। उसी तरीके से कालिंगवुड ने कहा कि सभी इतिहास विचारों का इतिहास होता है। ठीक है, कालिंगवुड का एक और कथन है वह है इतिहास का संबंध न तो अतीत न इतिहासकार के अतीत संबंधी विचार से रहता है, अपित इतिहास से इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए इतिहासकार जिस अतीत का अध्ययन करता है वह मृत अतीत नहीं बल्कि इतिहासकार के मस्तिष्क से सजीव का इतिहास होता है। ठीक है, अब देखिए कालिंगवुड का मानना है कि विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए। कालिंगवुड फिर कहते हैं कि इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विधायन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक की रचना की थी। अब ऑप्शन देखिए मॉन्टेस्क्यू, दूसरा वाल्टेयर, तीसरा रूसो और इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर आपका है वह यह पुस्तक है मॉन्टेस्क्यू। यह पुस्तक किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक की रचना फ्रांसिस सिद्धार्थ मॉन्टेस्क्यू ने की। मॉन्टेस्क्यू के अलावा जो और पुस्तकें हैं अब उसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो क्रोचे हैं उन्होंने पुस्तक लिखी द हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी। ठीक है, एक राजनीति विचारक हैं इसाइसमस। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी फ्रेज ऑफ काली। उसके बाद एक इतिहासकार दांते, दांते ने लिखा डिवाइन कॉमेडी। उसके बाद एक इतिहासकार जिन्हें राजनीतिक बोला जाता है कि टॉमस मूर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी यूटोपिया। ठीक, संत अगस्टाइन ने एक पुस्तक लिखी सिटी ऑफ गॉड अर्थात ईश्वर का नगर। उसके बाद एंटोनियो ग्राम्सी, इन्होंने पुस्तक लिखी प्रिजन नोट बुक्स। ठीक है, और एक जो इतिहासकार जो राजनीति विचारक हैं थॉमस हॉब्स, इन्होंने पुस्तक लिखी लेवियाथन। उसके बाद देखिए रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
एमाइल, ठीक है, ये दो पुस्तकें रूसो की हैं। जो अभी हमने अनिल सील की बात की थी, अनिल सील जो है, जो कैम्ब्रिज संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। उसके बाद मार्क ब्लॉक हैं, मार्क ब्लॉक, इन्होंने पुस्तक लिखी मेमोरी ऑफ वार। दूसरी पुस्तक है द हिस्टोरियन फ्रंट, ठीक है। ये जो तमाम प्रकार की पुस्तकें थी जो महत्वपूर्ण थी, तमाम इतिहास का जो राजनीति विचारक है उनसे संबंधित हमने चर्चा की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए पुस्तक दी गई है, पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया, इसमें रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए विलियम जोन्स, दूसरा एच एस विल्सन, तीसरा कोलब्रुक और चौथा एल बासन। इसमें आपको बताना है जो पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया, इसके रचयिता कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर आपका सही हुआ है एल बासन। एल बासन ने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है। अब इन्होंने बासा महोदय ने एक और पुस्तक की रचना की है, वह है दी आजीविकास, ठीक है। इस तरीके से जो पुस्तक लिखी गई उसकी चर्चा हमने की। तो यहाँ पे ये जो 24 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसकी चर्चा हमने कर ली है। उसके बाद जो क्लास हमारी होगी वो जो प्राचीन इतिहास से संबंधित और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे विविध केसरी में रखा जाता है, विभिन्न प्रकार की जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। वही लास्ट चैप्टर है तो प्राचीन इतिहास का, उसके बाद प्राचीन इतिहास का जो चैप्टर वह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत भारत पर मुगल आक्रमण कैसे हुए उसकी चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।